गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। सबसे पहला मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है कि गुरु हो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कि सबसे पहले इस मार्ग में गुरु हो, गुरु के बिना भक्ति करना भी विफल है, व्यर्थ है। अब कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भावे, सोए गुरु सराइये जो शब्द लखावे दाव। गुरु गुरु के अंदर अंतर है। गुरु पूरा हो, जिसके पास कंप्लीट कोर्स हो मोक्ष मार्ग का, संपूर्ण भक्ति विधि प्राप्त हो उसके पास, और वो संपूर्ण भक्ति विधि हमारे सदग्रंथों से मेल खाती हो, और जिन महापुरुषों को हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं उनने जो साधना की हो उससे भी मेल खाती हो, तो वो साधना और वो ज्ञान जो संत बताता है वो पूर्ण गुरु होता है। अब आज तक जितने भी आपने अन्य साधनाएं और साधक और गुरुजी मिले, उनके अनुभव की आपने किताबें पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, वो तो आपने पढ़ ही रखी हैं, वो तो आपके पास विद्यमान है वो ज्ञान, के वो कौन सा मंत्र जाप बताते हैं, भक्ति की कौन सी विधि बताते हैं, किसको भगवान बताते हैं, भगवान का क्या स्वरूप बताते हैं। और जो दास आपको गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज बता रहा है, परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान बता रहा है, वो भी अब आपके पास उपलब्ध है। इन दोनों की तुलना करके आज शिक्षित समाज है बहुत आसानी से निर्णय कर सकता है। इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित किया सबसे पहले। इस 1997 से पहले भारतवर्ष के लगभग 99% शिक्षित मानव समाज है, और इस शिक्षा का केवल उद्देश्य यही था, परमात्मा ने जो आपको शिक्षा दी है कि आप सदग्रंथों को स्वयं देखें। अभी तक तो ये जो नकली धर्मगुरु थे, नाम सदग्रंथों का लेते थे, दंत कथा स्वयं अपनी लोक वेद मनगढ़ंत कहानियाँ और मनगढ़ंत मंत्र मनमानी साधना बताया करते थे, और हम ये सोचते रहे कि इन्होंने संस्कृत भाषा आती है, अच्छे धारावाहिक ये प्रवचन कर देते हैं, तो इन्होंने भगवान को पाया होगा, सदग्रंथों को ठीक से जाना होगा। अब आपको इस दास के निर्णायक ज्ञान से तुलनात्मक तरीके से आपको खूब पता लग चुका है कि किसी भी आज विश्व के धर्मगुरु को अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, वेद पढ़ने वाले वेद के विषय में नहीं जानते, इसमें भगवान की क्या महिमा बताई है, भगवान कैसा बताया है, इसमें कौन सा मंत्र बताया है। श्रीमद् भगवत गीता को श्रद्धार्य करने वालों को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान नहीं कि इसमें क्या भगवान की सतीथी बताई है, परमात्मा कौन है और जाप कौन सा बताया। इसी प्रकार कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वालों को उस वास्तविक भक्ति विधि का कति ज्ञान नहीं। पुण्यात्माओं, ज्ञान अलग चीज होती है, ये तो सबको मालूम है भगवान है, इतना भी कोई धर्म गुरु या कोई प्रचारक बता ही देता है कि भक्ति करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बिल्कुल ठीक है,
लेकिन इसकी सफलता कैसे हो? जैसे किसी को कोई रोग है, किसी ने बता दिया कि तुझे ये रोग है। अब जिसको रोग है उसको पता लग गया कि हाँ ये रोग है मुझे, तो उस रोग का उपचार नहीं मिला भी थी, उसकी औषधि ठीक ना मिली, तो उस ज्ञान से क्या लाभ हुआ? तो रोग कटेगा औषधि से। तो वो जो जन्म और मरण का जो रोग अपने को लगा है, ये सबसे भयंकर बीमारी है। और ये ना ब्रह्मा जी की कटरी, ना विष्णु जी की कटी, ना शिव जी की अब तक समाप्त हुआ। तो अन्य का होगा कैसे? क्योंकि हम उनको सुप्रीम पावर, सुप्रीम गॉड मानते थे। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास रामपाल दास के पास है, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार, विश्व में किसी के पास नहीं है। ये आपको तो आज समझ में आ जा तो सौभाग्य आपका, और जितना देर से समझ में आओगी इस गए वक्त को घना पछताया करोगे, ये सत्कर मान लेना। तो सबसे पहले हमने गुरु बनाना होता है, और गुरु पूरा हो, जैसे श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक एक निर्णायक ज्ञान दिया है कि अर्जुन इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इनके द्वारा जो भी प्रक्रिया इस लोक में हो रही है, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी के प्रभाव से यहाँ आपस में मोह ममता लगाव और भगवान शंकर हमें मार ही रहा है, इसके तमोगुण इसके आधार से हम एक दूसरे से झगड़ा ठान लेते हैं और बहुत बड़ी हानियाँ कर देते हैं, लाखों लोग लड़कर मर जाते हैं, राजा लोग सैनिकों सेनाओं से, तो ये इस तमोगुण का प्रभाव है। इनसे जो कुछ भी हो रहा है इसका मूल कारण मैं हूँ। कौन? जो श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान दे रहा है वो कौन है? वो काल है। श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और सबको, सब लोगों का नाश करने के लिए जो सामने खड़े हैं उसके लिए मैं अब परिवर्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण नहीं थे वो, श्री कृष्ण तो पहले विद्वान थे, वो काल है जो ऐसे गुप्त खेल करता है, इसके सब कर्म अलौकिक हैं। श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो प्रेत की तरह बोल रहा है, वो काल है। इस काल को श्राप लगा हुआ है परमात्मा की तरफ से कि 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीरों का से निकले गंध को तो रोज खाएगा, यानी 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति डेली करेगा, जिसके कारण ये अपने तीनों पुत्रों को इसने एक एक गुण युक्त कर दिया। अब न ब्रह्मा जी के वश की बात, न विष्णु जी के वश में ये गुण तो प्रभाव कर रहा है, ना शंकर जी के वश में। जैसे कोई मिर्च है, ये भगवान अपने लोकों में रह रहे हैं, विष्णु लोक में विष्णु जी, ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी और शिव लोक में शिव जी, ऊपर के लोक हैं इनके, और वहां से इनके गुण इन तीनों लोकों पर, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक में सबको प्रभावित कर रहे हैं। जैसे रसोई के अंदर छौंक लगाया जाओ मिर्चों का, और अन्य कक्षों में बैठे हुए, अन्य कमरों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो मूल वस्तु, साकार वस्तु तो रसोई में, उसके गुण ने आके वहां प्रभाव डाला, तो बस की बात नहीं कोई छींक रोक दे। ठीक इसी प्रकार इनसे निकले हुए तीनों गुण आप सबको, सभी प्राणियों को, पशु पक्षी मानव को, देवताओं को ये प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण ये विवश होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं। इतनी प्रबल प्रेरणा ये भर देता है, जीव के बस की नहीं। और आपस में मोह ममता
ये भी हमारे बस का नहीं, क्योंकि इस गुण के प्रभाव से, जैसे किसी ने शराब पी ली, अब शराब पी कर कहीं पड़ा रहो, विवश है वो, उसको पता ही नहीं तू कहाँ पड़ा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है। तो इस प्रकार इस काल भगवान ने कहा है कि ये तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं ही हूँ, मैं इनमें नहीं हूँ और ये मुझ में नहीं है, क्योंकि ये उनसे बाहर बैठा है 21वें ब्रह्मांड में। और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर इसने गुप्त स्थान बना रखा है, वहाँ भी ये वहाँ भी रहता है, और 21वें ब्रह्मांड के शिखर में भी एक चला जाता है जब इसको आवश्यकता होती है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।